स्टूडेंट्स इन दिस टॉपिक वी शैल डिस्कस दबस्ट्रक्चर और अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलाेंट्स ए माओफिलामेंट इज कंपोज ऑफ थिक एंड थीन फिल्मेंट्स दिक फिलाेंट्स एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ ए बैंड जो ए बैंड है इसकी पूरी लेंथ में थिक filaments these filaments are about 16 nanometer in diameter and are composed of about 300 molecules of myosin protein a myosin molecule is a protein which consists of two identical वी चेन्स प्रोटीन है जिसमें दो हैवी चेन्स हैं और ये जो दो हैवी चेन्स हैं दे आर क्वाइल्ड टूगेदर एंड फॉर्म ए लॉन्ग टेल इस टेल के अलावा मायोसिन के पास ए दो ग्लोबुलर हेड्स भी हैं दीज हेड्स आर आल्सो फॉर्मड ऑफ टू हैवी चेन्स अलोंग विद थ्री और फोर कैल्शियम बाइंडिंग लाइट चेन्स यानी के हेड में दो हैवी चेन्स के अलावा एक्स्ट्रा तीन या चार लाइट चेन्स होती हैं और ये जो लाइट चेन्स हैं दे आर कैल्शियम बाइंडिंग चेन्स दीज आर दीज हेड्स, दीज आर दी हेड्स विच फॉर्म क्रॉस ब्रिजेज दी थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में जो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं वो इन हेड्स की वजह से बनते हैं students, the thin filaments are about to the ये फिलामेंट्स आर अबाउट सेवन टू एट नैनोमीटर थिक एंड दे एक्सटेंड अक्रॉस दी आई बैंड लेकिन ये आई बैंड के अलावा ए बैंड में मायोसिन के फिलामेंट्स के साथ ए बैंड के डार्कर रीजन में ओवरलैप भी करते हैं इस तरह से आई बैंड में थीन फिलामेंट्स हैं, लेकिन ये फिलामेंट्स इसके अलावा ए बैंड में भी एंटर होते हैं जहां पर ये मायोसिन को ओवरलैप करते हैं लेकिन ए बैंड में मुकम्मल तौर पर ये थीन फिलामेंट्स मौजूद नहीं होते बल्कि सिर्फ जो ए बैंड के ज्यादा डार्कर रीजन हैं यानी के एच जोन को छोड़ के उन रीजन में ये एक्टिन के थीन फिलमेंट्स मौजूद होते हैं दीज थिंस फिलामेंट्स आर कंपोज ऑफ एक्टीन मॉलिक्यूल्स विच इज ए प्रोटीन ये स्टूडेंट इन दिन फिलाेंट्स एक्टीन मॉलिक्यूल्स आर अरेन्ज इन टू चेन्स विच ट्विस्ट अराउंड ईच अदर एक्टिन का जो जो थिन फिलामेंट है उसमें दो एक्टिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं दो चेन्स की फॉर्म में मौजूद हैं जो एक दूसरे के गेट वाइंड अप हुई हैं या ट्विस्ट हो रही हैं अब इस एक्टिन के अराउंड एक और प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के भी दो स्ट्रेंड्स हैं जो इसके एक्टिन के ट्विस्ट करते हैं एक रिलैक्स्ड मसल फाइबर में जो है ये एक्टीन और मायोसिन के दरमियान क्रॉस ब्रिजेस बनने से के अमल को रोके रखती है फिलामेंट्स हैव कंप्लेक्स ट्रोपोनिन दिस ट्रोपोनिन इज मेड अप ऑफ थ्री पॉलीपेप्टाइड्स। ट्रोपोनिन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस But it is present at intervals of about 14 nanometers along the length of thin filaments. Here, students, the troponin polypeptide, which is a three polypeptide complex, has three different types of polypeptides. These polypeptides include the TNI, which is inhibitory.

टी एन टी डोमेन जो है या पॉलीपेप्टो है यूज होती है तीसरी टाइप की जो ट्रोपोनिन पॉलीपेप्टे दैट इज कॉल्ड टी एन सी डेट बाइंड कैल्शियम आइंस ये जो एक्टिन के साथ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अटैच है दे एक्चुअली हेल्प टू कंट्रोल दी एक्टीन मायोसिन इंटरक्शन विच आर इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रेक्शन क्योंकि मसल कॉन्ट्रेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिक्वायरमेंट के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है तो कभी मसल कॉन्ट्रेक्टेड होता है और कभी रिलैक्स होता है तो ये एक्टीन और मायोसिन के आपस के इंटरेक्शन की वजह से होता है जब ये इंटरेक्शन करवाने होते हैं तो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है अदरवाइज जब मसल uh, कॉन्टेक्टेड हालत में नहीं होता तो क्रॉस ब्रिजेस को रोक के रखना यह भी जरूरी होता है और इसमें यह जो ट्रोपोनिन है यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये स्टूडेंट्स ये जो मायोफिलामेंट uh, है इसमें एक ए बैंड के सेंट्रल पोर्शन में एक uh, एच जोन भी है दिस एच जोन अपियर्स

उस रीजन को छोड़ के जो सेंट्रल पोर्शन है वहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद होते हैं और इस रीजन में आ, इसलिए ये कंपैरेटिवली लाइटर अपियर होता है देर इज नो ओवरलैप बिटवीन द थिक दिन एंड मायोसिन इन दिस रीजन सो एच जोन जो है एच जोन को अगर सेंटर से देखते हैं तो इसके दरमियान में देयर इज एन एम लाइन और ये जो एम लाइन है This is the region which contains an enzyme which is involved in energy metabolism.